कार्तिकेय जी का प्रागट्य है। मैं अपनी बुद्धि में ये चीज बिठा कर रखना, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं, चंद्रभागा महारानी के तट पर गए, गंगा जी के तट पर गए, यमुना सरयू नर्मदा क्षिप्रा कावेरी गोदावरी गोमती, जहां ताप्ती किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं, तो उस नदी के जल का छीटा अवश्य लेना, करे ना करे, पर उस जल का अपने ऊपर छीटा जरूर। कारण कहते हैं गंगा जी के जल से सदानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए, तन के उद्दन से श्री गणेश जी प्रकट हो गए। जय। जब कोई जीव भी साधारण से साधारण जीव भी अगर किसी पवित्र नदी के जल का उच्चारण करता है, जल अपने ऊपर छींकता है, तो जल का स्पर्श जब हमारे शरीर से होता है, तो हमारा पाप समाप्त होकर हम पवित्र बनकर भगवान की भक्ति के ओर जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। हमें क्या पड़ी तुम्हें मंदिर तक भेजने की? ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं, सियोर तो फिर भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। बाल कटवाना है तो न्याय की दुकान पे जाना, बोलो सही है कि गलत है। रकम बनवाना है तो सुनार की दुकान पर बोलते जाओ जाना। बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, और दुख कटाने के लिए महादेव के द्वार पर जाना पड़ता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना। सबसे कठोर धातु क्या होती है? लोहा। सबसे कठोर क्या है? बोलो बोलो जम के बोलो। लोहे की तलवार बन गई, गुप्ती बन गई, किसी को मार दिया निपट गई, जो लोहे को गला देती है कि नहीं? लोहा कठोर, पर लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डाला सब ठंडा। कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर बोलते जाओ जल्दी। पानी, एक पानी डाला और अग्नि कितनी भी ठंडा करेगी हो ठंडा पानी अग्नि को ठंडा कर दे, पानी मनुष्य की जाता। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। कठोर है भगवान शंकर की कथा, जो बीमारी को भी निकल जाता। मृत्यु को मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो काल का हरी को भी निकल जाता। अभी बेटी ने, पंडरपुर की बेटी ने लिखा, 5 गठानी थी, बच्चा दानी निकलने की कतार थी, बॉम्बे तक इलाज करवा लिया, पर आखिरी में घर आ गई, और बाबा का सोचा अब क्या करे। 15 दिन बाद तारीख मिली है ऑपरेशन की, वो 15 दिन कहाँ निकाले, तो शंकर के द्वार पर निकाला, और आखिरी में भी मना करता। चिरंजीवी निर्मल कुमार भोसले MBA नहीं लग रही मेरी पत्नी, आपकी कथा की पूर्ण तरह से गलत है। चढ़ाती है भगवान शंकर का पूजन करती है, सेवा करती है। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया, और कि क्या तुम्हारे भोलेनाथ मेरा रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं? कहा, सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत इतनी करना कि एक अंश भी कमी ना रहे, पढ़ाई इतनी करो कि कोई कमी ना रहे, और बाकी का फिर भोलेनाथ पे छोड़। 4 लाख स्टूडेंट महाराष्ट्र में बैठे थे, गुरुदेव बेटे को भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर आपकी कथा तो शिव स्वयं सुनाने के लिए आता है। बाबा बाबा है।
गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, आज मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एमपीएससी की परीक्षा में मेरा बेटा 2-3 नंबर पर उत्तीर्ण हुआ है महाराष्ट्र में, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। वो सुनता है, शिव महापुराण की कथा में आप कहते हो बाबा सुनता है और वो सत्य है, बाबा सुनता है। मैं पंडरपुर की निवासी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, बाबा के चरणों को नमन। शिव तत्व